celebrating Independence Day. Tomorrow it is the Independence Day of our country. कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है. रितेश is making a national flag. रितेश राष्ट्रीय ध्वज बना रहा है. His younger sister Subhi enters the room. उसकी छोटी बहन Subhi कमरे में प्रवेश करती है. Subhi, brother, what are you busy doing? भाई आप क्या कर रहे हैं, अर्थात क्या बनाने क्या करने में व्यस्त हैं. रितेश, टुमारो इट इज़ 15 अगस्त और इंडिपेंडेंस डे एंड आई एम मेकिंग ए नेशनल फ्लैग. रितेश कहता है कि कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, कल 15 अगस्त है हमारा स्वतंत्रता दिवस और मैं राष्ट्रीय ध्वज बना रहा हूँ. Subhi, should I help you in making it? Subhi कहते हैं क्या मैं आपकी मदद करूँ इसे बनाने में. रितेश, ओ यस वाई नॉट, प्लीज़ कम. हाँ क्यों नहीं, आओ, वी विल मेक इट टूगेदर, हम इसे साथ में बनाएंगे. डू यू नो Subhi, व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर. रितेश पूछता है Subhi कि आपको पता है कि ये जो 3 कलर हैं ये किस लिए हैं हमारे फ्लैग में. Subhi, आई डोंट नो ब्रदर, कैन यू टेल मी. Subhi कहती है कि मुझे नहीं पता भाई, क्या आप मुझे बताएंगे. रितेश, सैफरान स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाई, वाइट फॉर पीस एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी. रितेश कहता है कि सैफरान कलर जो केसरिया रंग है ये बलिदान का प्रतीक है, वाइट फॉर पीस और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी और जो ग्रीन कलर है हरा कलर है ये समृद्धि के लिए है, अर्थात समृद्धि दर्शाता है. Subhi, देयर इज ए ब्लू व्हील इन द वाइट स्ट्रिप. Subhi कहती है कि इसमें एक नीला चक्र भी है सफ़ेद पट्टी पर. व्हाट डज इट स्टैंड फॉर. Subhi कहते हैं ये किस लिए है. रितेश, इट इज़ द अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्रिप हैविंग 24 स्पोक्स. रितेश कहता है कि ये जो सफ़ेद पट्टी पर नीला चक्र ये है, ये अशोक चक्र है और इसमें 24 तीलियां हैं. दिस रिप्रजेंट द 24 प्लेसेस और ऑफ द डे. ये हमारे ये 24 घंटे ये जो 24 घंटे हैं प्रीसियस हैं, मीन्स प्रीसियस और ऑफ द डे ये दिन के 24 मूल्यवान 24 घंटों के लिए हैं. Subhi, व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो. Subhi कहते हैं भाई अब क्या करने वाले हो इस फ्लैग के साथ में, या इस फ्लैग का क्या करने वाले हो. रितेश, वी आर गोइंग टू हैव ए परेड इन द स्कूल. रितेश कहता है कि कल स्कूल में परेड होगा. द नेशनल फ्लैग वी विल बी होस्टेड एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम. रितेश कहता है कि कल राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और हम राष्ट्रीय गीत गाएंगे. Subhi, सॉरी राष्ट्रगान गाएंगे. Subhi, व्हाट एल्स विल बी डन ऑन दिस डे. Subhi कहती है इसके अलावा और क्या किया जाएगा. रितेश, ऑन दिस डे वी सैल्यूट द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स. रितेश कहता है फाइटर्स, इस दिन हम अपने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे हम इनके इन्होंने जो महान त्याग किया है इनके साहसिक कार्यों को सलाम करेंगे. गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मैनी अदर फॉट फॉर मैनी ईयर्स टू मेक इंडिया ए फ्री कंट्री. गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन लोगों ने बहुत कई वर्षों तक संघर्ष किया है भारत को स्वतंत्र कराने के लिए. Subhi, रितेश, आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स. Subhi पूछती भाई क्या आप किसी प्रोग्राम में भाग लोगे. रितेश, यस आई विल डिलीवर ए स्पीच. रितेश कहता है हाँ मैं स्पीच दूंगा, मैं भाषण दूंगा. Subhi, what are you going to say in your speech? Subhi कहते हैं कि भाई आप अपने भाषण में क्या बोलने वाले हो. रितेश, I have written not only about the importance of Independence Day, but also about our duties towards our nation. रितेश कहता है कि मैंने अपने भाषण में लिखा है कि मैं कल जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है इसके इम्पोर्टेंस के बारे में ही नहीं बताऊँगा बल्कि जो हमारी ड्यूटीज़ हमारे कर्तव्य हमारे राष्ट्र के लिए उसके बारे में भी मैं बोलूँगा. Subhi, What are our duties towards the nation? Subhi कहती है कि हमारे क्या कर्तव्य हैं राष्ट्र के लिए. रितेश, To do good for the society. रितेश कहता है समाज के लिए अच्छा करना. Subhi, How can we do that?
असुभी कहती हम इसे कैसे कर सकते हैं? रितेश, बाय हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, प्लांटिंग ट्रीज, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड सो ऑन। रितेश कहता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, मतलब अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखना चाहिए, प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ों को लगाना चाहिए, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड सो ऑन, और हमें अपने से बड़ों के रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मीन्स उनका आदर और सम्मान करना चाहिए, ऐसे ही सारी चीज़ें करनी चाहिए। सुबी, इट मीन्स एवरी वन मस्ट डू वंस विट टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग्स। सुबी कहती है इसका मतलब हर किसी को अपने आसपास को स्वच्छ रखने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। रितेश, यस सुबी, हाँ सुबी, इफ वी ऑल डू इट एंड डू ए लिटिल, इट विल हेल्प आवर कंट्री। रितेश कहता है कि हाँ सुबी, अगर हम सब थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये हमारे राष्ट्र के लिए हमारी हेल्प हो जाएगी। सुबी, ब्रदर, टुमारो आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लॉथ टू द पुअर चिल्ड्रन। सुबह कहते भाई, कल मैं मेरे जो पुराने खिलौने हैं और कपड़े हैं, मैं इन्हें गरीब बच्चों को दूंगी। रितेश, वेरी गुड सुबी, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द वेज टू सर्व आवर कंट्री। रितेश कहता है कि बहुत अच्छा सुबह, ये भी एक तरीका है अपने राष्ट्र की सेवा करने की। क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट है क्वेश्चन, व्हाई वाज रितेश मेकिंग द नेशनल फ्लैग। रितेश नेशनल फ्लैग मीन्स राष्ट्रीय ध्वज क्यों बना रहा था? तो नेक्स्ट डे 15 अगस्त था, इसलिए वो बना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द थ्री कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। जो राष्ट्रध्वज में 3 कलर हैं वो किस लिए हैं या फिर किसका प्रतीक है?